आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गईकाल सांजथी राजकोट प्रवासे छे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी थी जेमां तेओए जणाव्युं हतुं के जे लोको एम कहेशे के हवे आम आदमी पार्टी ने मत आपीशुं तो तेमना पर भाजप हुमलो कराशे, गुजरात में आम आदमी पार्टी पर मोटा स्तर पर हुमलो कराशे, परंतु अमारे संयम राखवानो छे। मीडियाने डरावीने राख्युं छे, बधा मीडियाने कही दीधुं छे के आम आदमी पार्टीना कोई पण कार्यक्रम देखाडवाने सांजे 7 वागे गणपति बापा की आरती करवा सूरत पहुंचशे अने सूरतवासीओने उमटी पड़वा आह्वान करूं छुं। केजरीवाले वधुमां जणाव्युं हतुं के सूरत में मनोज सोरठिया पर हुमलो करवामां आवता तेनुं माथुं वच्चेथी फाटी गयुं छे। माथामां केटलाय टांका आव्या छे एनो वाक शुं हतो ते गणपति बापाना एक पंडाल में ऊभा हता अने पूजा करी रह्या हता। अमुक लोको त्यारे आव्या अने भगवानी मूर्तिनी सामे हुमलो करी दीधो। आ गुजरात देश के अपनी संस्कृति के संस्कार नथी, आनाथी लोकोमां बहु ज रोष छे। बधी जग्याए आ लोको डरावी रह्या छे। भाजप द्वारा हुमलो क्यारे करवामां आवे छे ज्यारे हारवानो डर लागी गयो होय। और ये जितना हमला कर रहे हैं ये इनको उल्टा पड़ रहा है। जब से मनोज सोरठिया के ऊपर हमला हुआ है, सूरत के लोग इतने नाराज हैं। हमने सर्वे कराया, सूरत शहर में 12 सीट हैं। आज की डेट में इन 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही हैं और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये 7 से भी बढ़ेंगी। 12 सीट हैं सूरत के अंदर, ये 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है। केजरीवाले વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સુરતવાસીઓને મારી બે હાથ જોડીને અપીલ છે કે જ્યાં હુમલો થયો ત્યાં ગણપતિ પંડાલમાં આવે, આખું સુરત એકત્રિત થાય અને એક સાથે આપણે ભગવાનને ગુજરાતની સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે આહવાન કરીશું। આજ મેં સુરત જાઉંગા શામ કો ગણપતિ બાપા કી મહાઆરતી મેં शामिल होऊंगा, उनका आशीर्वाद लेंगे और सभी सूरतवासियों से मेरा हाथ जोड़ के अपील है, निवेदन है, सब लोग वहाँ पे आएं, पूरा सूरत इकट्ठा हो, हम सब लोग मिलके एक साथ भगवान की पूजा करेंगे, सब लोग मिलके एक साथ भगवान का आह्वान करेंगे, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की समृद्धि के लिए। मैं वहाँ 7 बजे आरती शुरू होगी, सबसे अपील है कि 6:30 बजे तक सब लोग वहाँ पे पहुँच जाएं। सांजना 7 वागे आरती शुरू थशे अने 6:30 वागे बधा लोको पहुंची जाए। ज्यारथी मनोज सोरठिया पर हुमलो थयो छे त्यारथी सूरतना लोको नाराज छे। मैं सर्वे करवा आव्यो छे जेमां सूरतमां 12 सीट छे, तेमां 7 सीट पर आम आदमी पार्टी आवी रही छे। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको संयम रखने की इस वक्त ज़रूरत है। ये अभी और बहुत हमले कराएंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर केवल आम आदमी पार्टी नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, ये जनता पे हमले कराएंगे। जनता में से अगर कोई कहेगा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये उस पर हमले कराएंगे। जनता में से जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ये उस पर हमले कराएंगे। ये गुजरात की जनता पे बड़े स्तर के ऊपर हमले कराने वाले हैं ये लोग। लेकिन हमें संयम रखना है, हमें हिंसा नहीं करनी और संयम के साथ जिस दिन चुनाव होगा बटन दबा के आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिएगा। मीडिया को डराते हैं, बताइए ये लोग। मुझे पता चला पिछले साल किसी ने अखबार या किसी ने लिख दिया था कि फलाने फलाने सीएम जाने वाले हैं, उनको कई महीने जेल में रहना पड़ा। इस साल किसी ने लिख दिया कि सीएम बदलने वाले हैं, उसके ऊपर केस कर दिए। ये क्या गुंडागर्दी है? आप इस तरह से मीडिया को डराओगे? सारे मीडिया को बोल रखा है कि आम आदमी पार्टी वालों को डिबेट में नहीं बुलाना, सारे मीडिया वालों को बोल रखा है कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं दिखाना। इस तरह से गुंडागर्दी से देश चलता है, इस तरह से गुंडागर्दी से आप सरकार चलाना चाहते हैं। केजरीवाले વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ બધા લોકોની ફરજ છે કે તે ધર્મ માટે કામ કરે છે। આ સમયે એટલો ભ્રષ્ટાચાર અને ગુંડાગર્દી વધી ગઈ છે કે મીડિયાવાળાએ ધમકાવા આવે છે। આજે જ મને એક મીડિયાવાળાનો ફોન આવ્યો હતો કે કેજરીવાલને સ્પીચ ચલાવી નહીં તેવી મને ધમકી મળી છે। पुलिस वालों का जब हमने मुद्दा उठाया तो उनकी डिमांड थी कि ग्रेड पे मिलनी चाहिए। सरकार ने उनको ग्रेड पे तो नहीं दी, लेकिन चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम इनके भत्ते बढ़ा देते हैं। भत्ते बढ़ाने का जो नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने शर्तें रख दी नोटिफिकेशन में कि आपको एफिडेविट साइन करके देना है कि आप किसी भी कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये आज़ाद देश है, इस देश के अंदर हर इंसान को संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं विरोध करने के, प्रदर्शन करने के, कोर्ट में जाने के। ये क्या बात है। मैं सभी पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं कि कोई भी इन शर्तों के ऊपर साइन मत करना, किसी को साइन करने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर में सरकार बनेगी, आपकी सारी मांगे मानेंगे और कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। और अंदर खाने जैसे आप अभी तक आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हो, आप प्रचार करते रहो, जम के प्रचार करो। धर्मना शासनने स्थापित કરવા માટે લોકોએ કામ કરવાનું છે। આમ આદમી પાર્ટી ધર્મ માટે કામ કરે છે। ચૂંટણી આવતા પોલીસને ભથ્થા વધારવાની જાહેરાત કરી દીધી અને એફિડેવિટમાં શરત મૂકવામાં આવી છે કે કોઈ વિરોધ ન કરે, પરંતુ હું કહેવા માંગુ છું કે કોઈ સાઇન ન કરતા ડિસેમ્બરમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે અને તમામની માંગ પૂરી કરીશું। બ્યુરો રિપોર્ટ, HindTv ન્યૂઝ, સુરત।